चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ हम सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी अच्छे हैं। इधर मम्मी जी बना रही हैं रोटियाँ। रोटियाँ क्या, आज है पहला कनागत तो मम्मी जी ने बहुत चीज़ें बनाई हैं। ये देखिए, पहली चीज़ तो मम्मी जी ने बनाई है खीर, और देखिए क्या ज़बरदस्त बनी है। और पड़दादा, मेरे पड़दादा है तुम्हारे पड़दादा हुआ। और ये रही चावल, और क्या मम्मी, और ये है दोस्तों दाल। और अभी पापा जी मिनसेंगे, मतलब पापा जी भोग लगाएंगे हमारे। और ये देखिए जो रख दिया मम्मी जी ने, चावल रख दिए हैं, खीर और दाल रख दी है, और ये रख दिए हैं रोटियां। और जो कनागत है वो पापा जी के, बाबा जी का, मतलब मेरे पड़ बाबा जी का है। और अभी पापा जी बस नहा धो के, नहा धो तो लिए ना पापा तुम? अभी दिखाते हैं कैसे, मतलब मिनसेंगे मिनसेंगे ना यहीं बैठ के। अच्छा, इधर इधर मुंह करके सूरज की तरफ, और ये लोटिया में पानी ले लिया है। ये तो उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं सज्जा, ऐसे घूमेंगे ना, चक्री काटते हैं। अच्छा, सीधी चक्री काटता, उल्टा थोड़ा काटता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी पापा जी मिनस रहे हैं, बाबा जी का नाम लेगा। जय हो बाबा जी की। बदमिनस गई, चलो बढ़िया। अब पापा जी बाहर सूर्य भगवान को पानी दे के आएंगे। दे रहे हैं सूर्य भगवान को पानी। जय हो सूर्य भगवान, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लो जी, और जो बाबा मिनसी है आपने खाना, ये वो आप खाओगे या कोई भी खा सकता है? अच्छा, गाय को कोई नहीं खा सकता? अच्छा अच्छा, ठीक। और लीजिए दोस्तों, आज पकवान है पूरा, इधर खीर, भिंडी, दाल, चावल और रोटी। आइए और आप भी मेरे साथ भोजन का आनंद उठाइए। और ये अभी मैं लंच कर रहा हूँ, वैसे तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आ जाइए मेरे साथ, खाना खाइए। और दोस्तों, अक्षिता को टीका लग चुका है, और इसको लगे तीन टीके। मैं तो सोच रहा था एक आधा लगेगा, पर तीन लगे। और जो डॉक्टर ने बताया, उसने कहा कि दो टीके तो ऐसे ही हैं, मतलब इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो तीसरा टीका लगाया उसमें बता रहे थे इसमें सूजन भी आएगी और बुखार भी चढ़ेगा। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसको ना एक तो बर्फ़ की सिकाई करनी है, और दूसरा इसको दवाई दी, इसको हर 6 घंटे बाद पिलानी है, तो उससे ठीक रहेगी, मतलब बुखार चढ़ेगा नहीं, उतर जाएगा, नहीं तो तंग करेगी बहुत। और इसने मतलब इतने रोई भी नहीं, और बच्चे इतने सारे आ रहे थे, बहुत रोए, बहुत रोए। मैंने कहा ये भी बहुत रोएगी, पर ये तो चुपचाप लगवा लिया, सहन कर लिया इसने तो बिल्कुल भी। दोस्तों, अक्षिता जाग चुकी है, टीके लगवाने के बाद सो गई थी, और देखो अभी खेल ली है। और डॉक्टर ने कहा 6 घंटे बाद इसको पेन होगा, लकड़ाहट भी होगी। हैं भाई, सहन कर लिया लड़की? हाँ, दवाई तो देते रहेंगे। इसे नहीं पता अभी, नहीं है जी बिगाड़ी जी भी। तीन टिक्के लगवा लिए मेरी लाली ने, मैं तो एक टिक्के से। मैं तो एक बार क्या हुआ था, मेरी दादी ले गई मुझे, मुझे हो रहा था बुखार, वो भाई साहब जैसे ही उसने टिक्का भर दिया, मैंने तो छोड़ छोड़ के ऐसा भागा। डॉक्टर ने माँ को ही सुनाई, हाँ माँ को बहुत सुनाई, कैसा बच्चा है तुम्हारा, मेरा टिक्का खराब कर दिया, भाग गया। और इसने 3 टिक्के आराम से लगवा लिए, देख लो भागने लायक है। फिर भी मेरी बहादुर बच्ची है, हमारी राजपूत बच्ची है, ऐसे नहीं डरती छोटे छोटे टिक्कों से, है नहीं भाई? गोलू मोलू सी, अब लगेगा पूरा 1 महीने बाद इसको दोबारा टिक्के, तब भी मुझे लगता है 2-3 लगेंगे शायद, जब 2.5 महीने की हो जाएगी। अभी 1.5 महीने की हुई है ना पूरी। चलो दोस्तों, इसे आराम करने देते हैं ना। और दोस्तों, पापा जी आज बना रहे हैं हम सबके लिए मैक्रोनी, उसी के लिए प्याज काट रहे हैं, ये देखिए। चलो, किस कौन कौन खाएगा फिर? मैं और पापा जी खाएंगे बस, और कोई नहीं खाएगा। और पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, अक्षिता रो रही है।
क्योंकि अक्षिता को टीका लगाया और अब उसे पता चल रहा है कि हाँ टीका लगाया। अरे इधर पापा जी ने प्याज छील लिए हैं, बस टमाटर और हरी मिर्च और धनिया काटना रह गया और लहसुन। और लीजिए दोस्तों, पापा जी ने एकदम चटपटी स्पाइसी मैक्रोनी बना दी और देखने में ही देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है। तो आप ही बताना देख के दोस्तों कैसी लगी आपको, और मैं खाता हूँ और टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसी बनी है। दोस्तों टेस्ट में भी बड़ी बेहतरीन है, तो आइए आप भी मेरे साथ मैक्रोनी खाइए। और दोस्तों आज मम्मी जी खाने में बना रही है यूनिक चीज़। यूनिक चीज़ क्या है मम्मी? वो चटनी। अरे देखिए चटनी के लिए मम्मी जी ने सारी मटेरियल काट कूट के मिक्सी में डाल दिया है और एकदम खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है हरे धनिया की। और अब बस इसे क्रश करके इसकी चटनी बना देंगे। और अभी भी मम्मी इसमें कुछ डाल रही हैं, क्या डाले हमें? जीरा। इससे जीरा भी क्रश हो जाएगा ना। चलो बढ़िया, खाना भी चाहिए दोस्तों, सादा खाना भी बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, तो आपको भी खाना चाहिए। और दोस्तों इधर मम्मी जी को ये नॉर्मल चटनी नहीं बना रही हैं, ये उबाल के चटनी बना रही हैं। मम्मी उबाल के क्या? अच्छा छोंक के बना रही हो, ये छोंक के चटनी बन रही है। और देखिए क्या मस्त बन रही है, ये बन जाएगी ऐसी हो जाएगी पतल, वो हो जाएगी गाढ़ी, थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी, फिर दिखाऊंगा जब ये बन जाएगी। और देखिए दोस्तों हमारी चटनी बन के बिल्कुल रेडी और एकदम गाढ़ी हो चुकी है और देखने में बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। तो आज हम रोटी चटनी के साथ ही खाएंगे और बताएंगे आपको कैसी लगी चटनी। और इधर हमारी ब्राउनी लेटी हुई है, खाना वाना इसने खा लिया है। उधर दादी जी भी सो रही हैं अपने रूम में। और आज जैसे अक्षिता को टीका लगा था तो बहुत रो रही थी, अब सो तो गई है लेकिन जब भी उठती है रोने लग जाती है क्योंकि टीका दर्द करता है ना। उठ गई, अब इसको दर्द होगा फिर रोने लग जाएगी। देखो हो गई ना चालू, सोते वक्त इतना पता नहीं लगता, उठते ही रोने लग जाएगी। और इधर अक्षिता की मम्मी पड़ी है अक्षिता के पास, इसके तकिए से खेल रही है। अक्षु मेरी बेटी अक्षु, अच्छा चल सो जा। और लीजिए दोस्तों हमारा देसी नाश्ता आज है चटनी, साथ में है ये मलाई थोड़ी सी, और ये है थोड़ी सी लस्सी, और ये दो रोटी। आइए अभी मेरे साथ देसी खाना खाइए। और अभी तक हमें घी नहीं निकाला है, कुछ नहीं वो क्या था, मक्खन था क्या था, घी था। अच्छा और मैं सोच रहा था मलाई है, वो था मक्खन। और वो चटनी तो सारी खाई नहीं गई, मैंने मक्खन खा लिया क्योंकि मुझे मक्खन का बड़ा शौक है। अरे खीर भी अभी भी बच रही है, खीर किसकी है, मैं खा लूँ क्या? मैं खा रहा हूँ। आइए दोस्तों आप भी खाइए मीठा। और इधर दोस्तों हमारी दादी जी बैठी हैं, इन्होंने भी खा लिया रोटी। रोटी में वहाँ तुमने भी चटनी खाई थी, कुछ और खाया था? अच्छा और दवाई ले ली, ले होगी? अच्छा और खीर भी खाओगी, क्यों नुकसान करा है? फिक्की खीर खाई थी, ऐ झूठी, मीठी खाई होगी, कैसे बता रही? फिक्की खाई थी छुपाने की कोशिश कर रही है माँ, पर छुपा नहीं पा रही है। और बिल्कुल फिक्की खाई थी हमने खीर, तो वो खीर कैसी थी? वो तो चावल थे फिक्के। हाँ अच्छा। और ये जो दवाई है ना ये माँ जी की बहुत कड़वी है, माँ जी कहते हैं बहुत ज्यादा कड़वी है। हमारी दवाई मैं क्यों खाऊं, कड़वी तो हो ही है दवाई, और क्या मीठी हो। रक्षिता का 3 दिन इंजेक्शन ठोके बता इतनी सी क्या, फिर भी देख ले सहन करेगी, बड़े बड़ों पे एक भी नहीं होता। रात ना बताओ, कोई नहीं तुम्हारे पास छोड़ देंगे जरूर। तो दोस्तों आप भी खाइए खीर ठंडी ठंडी बिल्कुल मस्त वाली।